Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the cue card, and the topic is describe a person who impressed you the most when you were in primary school. And the questions are who he or she is, how you knew him or her, why he or she impressed you the most, and how you feel about him or her. School life is the best time, as we make new friends, build our careers, and learn new things there. When we enter the college, we always miss our school life, because school time is the only time which we enjoy most. School life teaches us a lot of new things and prepare us to face all the challenges of life. I love my school life and enjoy it a lot. Today I would like to talk about a person who impressed me during school time. यहाँ पे questions हैं, who कौन था और आप उसको कैसे जानते हो. I studied in the मतलब reputed private school, बहुत बड़े जिसकी position है उस school में मैंने अपनी पढ़ाई की है. I was glad to be a student of this school. My school is one of the most कि बहुत ही जैसे जाना माना होता है, फेमस होता है, वो स्कूल था मेरे टाउन का. द बेस्ट पर्सन इन माय स्कूल वाज इट्स प्रिंसिपल, हिज नेम वाज डॉक्टर अमित गुप्ता. ही डिड अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स. नॉट ओनली आई बट एवरी स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल न्यू हिम वेरी वेल, बिकॉज ही विजिटेड, यहाँ पे ही आएगा बाय मिस्टेक, वो रब हो गया. ही विजिटेड एवरी क्लास एवरी डे. कई बार होता है कि प्रिंसिपल हफ्ते में या महीने में एक दो बार स्कूल के या क्लासेस में जाते हैं, पर वो इंसान ऐसे थे कि हर रोज वो क्लासेस में जाते थे. तो हम ना ही मैं बल्कि सभी स्टूडेंट उनको अच्छी तरीके से जानते थे. ही लिसन टू एवरी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट. Any student could meet him anytime during school time. School time के दौरान कोई भी student किसी भी time पे उनको मिल सकता था. यहाँ कोई वो permission लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ specially पहले appointment लूँ और then वो उनसे मिलूँ, क्योंकि वो अगर उनको पता चले कि student अपनी problem लेकर उसके पास आया है तो वो काम छोड़कर दूसरा पहले उसकी problem सुनते थे, या आप उसमें add on कर सकते हो. आप क्यों इम्प्रेस्ड हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, आप उनसे सबसे ज्यादा क्यों इम्प्रेस्ड हैं. ही इम्प्रेस्ड नॉट ओनली मी बट ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज बेटर एफर्ट्स सच एज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन पुअर स्टूडेंट स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु वॉन्ट टू डू स्टडी. ही ऑलवेज फेल्ड स्कूल फी ऑफ पुअर स्टूडेंट एंड ऑल्सो गिव फ्री ट्यूशंस टू वीक स्टूडेंट्स. I also went to his home to study. ना ही मैं बल्कि सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स से इम्प्रेस क्यों, क्योंकि वो बहुत बेस्ट एफर्ट कर रहे थे. बेटर एफर्ट सच बहुत हर दिन उनके जो एफर्ट्स है वो अच्छे होते जा रहे थे, क्योंकि वो अपनी सैलरी है वो पुअर स्टूडेंट पे ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे थे, स्पेशली जो गर्ल्स है जो पढ़ना चाहती है. और कई बार वो उन्होंने बच्चों की फीस भी भरी है स्कूल की, और फ्री ट्यूशन क्लासेस देते थे वो स्टूडेंट्स को. एंड सो कभी कभी मैं भी उनके घर में स्टडी के लिए जाता था. हाउ यू फील अबाउट हिम और हर, उसके बारे में आप क्या सोचते हो. आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड बिकॉज गॉड गेव अ सच काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन दैट डिवोटेड हिज होल लाइफ टू अदर्स, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ दूसरों के लिए समर्पित की हो. आई टुक एडवाइस ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन माई लाइफ, उनसे ही मैंने एडवाइस ली है जो मेरे इम्पॉर्टेंट डिसीजन थे मेरी लाइफ की. आई फेल्ट वेरी सैड नाउ बिकॉज ही पास्ड अवे लास्ट ईयर ऑफ अ हार्ट अटैक. आफ्टर हिम I did not even meet a person, किसी भी एक इंसान को नहीं मिला हूँ who occupy his place in my life, जो उनकी जगह मेरी life में ले सके. So this is the idea about that cue card. If you like the video, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.